खबर आरोन से है, जहां नगर परिषद में रोड के गड्ढों की मरम्मत की गई। आपको बता दें कि आगामी नवरात्रि महोत्सव के चलते श्रद्धालुओं को कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े, जिस कारण नगर परिषद सीएमओ अरुणा शैलेश जैन ने रात के समय में रोड की मरम्मत कराई। वहीं महोत्सव स्थल पर सफाई करवाकर आसपास के सभी प्रमुख मार्गों के गड्ढों का भी भरवाया गया। मैं हूँ सारना चैनल से राजा आतम बेग और आज मध्य रात्रि में हम यहाँ उपस्थित हैं और यहाँ काम जोरों शोर से चल रहा है। आप देख सकते हैं नगर पालिका के आज जो नगर परिषद द्वारा जहाँ पे प्रतिनिधि अध्यक्ष भी हैं, पार्षद भी हैं, और आइए जानते हैं उनसे ऐसी क्या बात हुई कि रात में आज काम करना पड़ा। क्या नाम है? तो सर आप मुझे हमें ये बताइए कि आप, मैं जानना चाहता हूँ कि रात में कैसा क्या मतलब माहौल बना कि आप किसी रात में काम करना पड़ा। जैसा कि आप सब लोगों को विदित है, आगामी समय में नवरात्र महोत्सव चालू हो रहा है, उसके मद्देनजर देखते हुए नगर के विभिन्न मुख्य मार्गों की हालत बहुत ख़राब होती हुई देख देखा तो हमको ऐसा लगा कि पब्लिक को बहुत परेशानी होगी। तो इसके लिए पब्लिक का ध्यान रखते हुए, द्वार का ध्यान रखते हुए, नगर में बहुत सारे गड्ढे हुए हैं मुख्य मार्गों में, उनकी रिपेयरिंग करवाना हमने बहुत उचित समझा। हमारे परिषद ने निर्णय लिया तो उसके लिए सीएमओ साहब ने भी उसकी जगह दी, अध्यक्ष साहब का भी बड़ा योगदान रहा। इसके लिए हम ये रिपेयरिंग करवा रहे हैं मुख्य मार्गों की। जो पार्षद हैं कहीं ना कहीं फुल मूड में है, नगर को साफ सफाई के ध्यान रखते हुए लगे हुए रात में भी काम कर रहे हैं और आने वाले समय में त्योहार आ रहे हैं, जैसे नवरात्रें भी आने वाली हैं, जिससे आवागमन ज्यादा रहेगी, कहीं ना कहीं भक्तों का आना जाना लगा रहेगा, उनको ध्यान में रखते हुए उनको परेशानी ना हो उसके चलते ये कार्य चल रहा है। जानते हैं पार्षद साहब से। नमस्कार सर, आपका नाम? कैसा क्या माहौल बना सर? द्वार की वजह से तैयारी चल रही है, सड़क में गड्ढे वगैरह हो गए हैं, उसको साफ करवा रहे हैं, सही करवा रहे हैं, रिपेयरिंग करवा रहे हैं। यहाँ के जो रहवासी हैं उनसे भी जानते हैं कैसा क्या कार्य चल रहा है। आपका नाम सर? मैं अमन जैन। मैं आपको बताना चाहता हूँ, विगत कई वर्षों से मेन मार्केट की डिमांड थी कि यहाँ पे गड्ढे नालियों को सफाइयाँ करने को, हमने अध्यक्ष साहब और पार्षद महोदय से निवेदन किया, उन्होंने हमारी बात को सुना और गहराई से समझा, जैसे ही बरसात का काम रुका, अभी आप भी देख रहे निरंतर मध्य प्रदेश में नहीं आरोन में भी निरंतर बरसात चलने लगी है। जैसे ही बरसात का काम रुका, अध्यक्ष साहब ने हमारी बात को संज्ञान में लिया और तुरंत ही दो लोगों की रिपेयरिंग का काम उन्होंने शीघ्र ही अति शीघ्र चालू कर दिया। इसके लिए हम पूरा नगर परिषद को धन्यवाद देना चाहते हैं, ऐसे ही जनता के हित में काम निरंतर कर रहे हैं। वार्ड नंबर 9 के जो पार्षद प्रतिनिधि हैं उनसे भी जानते हैं कैसा क्या माहौल है। आपका नाम सर? मेरा नाम सुरेंद्र। तो आप बताइए कैसा क्या आपके विचार आया कि आधी रात में आपको काम करना पड़ा? ये एक नवरात्रि का महोत्सव आ रहा है, इसलिए जनता परेशान हो रही थी, गड्ढे हो रहे थे ज्यादा, इसलिए नगर अध्यक्ष साहब ने आदेश करके ये गड्ढे भरवाने की कृपा करी। बधाई के पास देखना क्या विषय ये है कि बधाई के पास यहाँ के सभी वार्ड नंबर 15 में से जो 13 कांग्रेस के पार्षद हैं सभी बधाई के पात्र हैं और यहाँ के जो रहवासी हैं वो भी उनको बहुत बहुत बधाई दे रहे हैं क्योंकि उनको ध्यान में रखते हुए ये कार्य चल रहा है। धन्यवाद। मैं हूँ सारना चैनल से राजा आतम बेग और आज